चार जून को लेकर के आप कितना तनाव में है? पूरी तरह तनाव में क्यों है? कंगना रनौत जीत रही है, हीरोइन जितनी भी मतलब अच्छी हो, स्टोरी जितनी मर्जी भी अच्छी हो, अगर उसका डायरेक्टर फ्लॉप है तो फिल्म का फ्लॉप होना तय है। विक्रमादित्य जी के साथ में फिलहाल आपका ट्विनिंग कैसा चल रहा है? तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ हद तक बीजेपी की ये लाइन ऑफ थॉट और आपके जो संघर्ष की कहानी मैच खाती है? 70 लाख की आबादी वाले हिमाचल पर पहले से ही 75,000 करोड़ का कर्जा है, 75 लाख वाली आबादी है, और महिला जो है हर महिला को आपने 1500 रुपए देने का भी वादा किया हुआ है। वादा नहीं किया, स्टार्ट कर दिया। मैं करेक्ट करता हूँ उसको। तो आखिर ये इतना पैसा जो है कैसे मैनेज करें? यानी कि राज्य की लगभग 12% आबादी बेरोजगार है, और जबकि आपने चुनाव में वादा किया था 1 लाख रोजगार देने का, इसका जरा मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या प्रगति आई? तो पर्चा लीक से अछूता हिमाचल भी नहीं है, आपके सरकार बनने के 12 दिन बाद ही एक पर्चा लीक हो गया। इस सब को कैसे करेंगे, क्योंकि देश भर के यूथ परेशान है। क्या आपको लग रहा था कि कांग्रेस आलाकमान का प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित न होने का फैसला आपके इस राज्य की राजनीति को प्रभावित करेगा, इसलिए आपने ये फैसला लिया कि हम छुट्टी पूरा करेंगे? पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति राजनीतिक परिवार का ना हो, उसके लिए पॉलिटिक्स में आने के लिए संघर्ष जरूरी है। अगर आपकी दोनों बेटियां जो दिल्ली में पढ़ रही हैं, अगर वो राजनीति माना चाहें तो आप आने देंगे? नमस्कार दोस्तों, लोकमत की टीम इस वक्त अपने चुनावी सफर में हिमाचल प्रदेश पहुँच चुकी है। हिमाचल पर देश भर की नज़र है, हर कोई इंतजार कर रहा है कि 4 तारीख को हिमाचल में क्या होगा। नज़र इसलिए भी है क्योंकि हिमाचल में इस बार 2 चुनाव परिणामों के इंतजार है, लोकसभा चुनाव और उन 6 सीटों पर भी चुनाव के परिणाम के इंतजार कर रहे हैं, जिसकी वजह से सुखू सरकार पर संकट लोग कह रहे हैं। इन सुखू सरकार कितनी संकट में है, सुखू सर जो हैं कितना अपने चुनावी सफर में क्या क्या देख रहे हैं, और उनका शुरुआती सफर कैसा रहा है, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि 4 जून का चुनाव, ज़्यादा हम अभी चुनावी सफर में तमाम मुख्यमंत्रियों से बात किया है, तमाम नए मुख्यमंत्रियों से बात किया, उन लोगों के लिए पहला चुनाव है, पहली परीक्षा है, आपके लिए भी ये पहली परीक्षा है, लेकिन आपके साथ दिक्कत एक चीज़ और आ गई कि आपके साथ 2 परीक्षाएँ हैं, एक तो लोकसभा चुनाव और दूसरी है उपचुनाव विधानसभा की। आपको कौन सी परीक्षा ज़्यादा टफ लग रही है? देखिए, पहले तो जो लोग राजनीति में होते हैं ना, उनकी परीक्षा हमेशा चली जाती है, तो ये मेरे लिए पहली परीक्षा नहीं है। मैं तो छात्र जीवन से चुनाव लड़ता आ रहा हूँ, जीतते भी आ रहे हैं और हारते भी आ रहे हैं, तो ये जो परीक्षा है इसका परिणाम तो जनता की अदालत में जनता द्वारा तय करना है, लेकिन हम निश्चित तौर पर इन चुनावों को अच्छी तरह लड़ रहे हैं और प्रदेश के मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि हम प्रदेश की जनता जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है और जो पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है, उनको सबक इस चुनाव में ज़रूर सिखाएंगे। तो आपके लिए ज़्यादा टेंशन 4 लोकसभा सीट जीतना है या 6 विधानसभा सीटें जीतना है? मेरे को तो ज़्यादा टेंशन 10 की 10 सीटें जीतनी है, जिसमें 4 लोकसभा की है, 6 विधानसभा की है। उसका कारण ये है कि मैं हिमाचल की जनता से जो अपील कर रहा हूँ, मैं ये अपील नहीं कर रहा हूँ कि हमारी सरकार को कोई खतरा, हमारी सरकार को तो कोई खतरा नहीं है, 6 लोग जो बिके हुए हैं वो जनता की अदालत में गए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार की राजनीति बंद होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति वोट के दम पर विधायक बन जाता है और नोट के दम पर अपने आप को राजनीतिक मंडी में बेच देता है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हिमाचल प्रदेश में ये चुनाव हो रहा है। इसलिए मैं जनता से अनुरोध कर रहा हूँ, हर रैली में कर रहा हूँ, कि लोकतंत्र की ताकत जनबल है, जनबल जीतना चाहिए और धनबल हारना चाहिए। आप अपने चुनाव प्रचार में, अभी मैं हमारी टीम जब देख रही थी आपके तमाम चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में जो आप बोल रहे हैं, उसके हिसाब से आपने लगातार मुद्दा उठाया कि बीजेपी की करप्शन और मनी पावर, इसका मुद्दा उठाया है। हम थोड़ा सा विस्तार से ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी के किस करप्शन की बात करना चाह रहे हैं। देखिए, हम एक साल पहले हमें 40 विधायक चुनकर आ गए, 40 विधायक चुनकर आ गए, 40 विधायक चुनने के बाद राज्यसभा का चुनाव हुआ,
राज्यसभा के चुनाव में 6 विधायकों ने हमारे खिलाफ वोट डाल दिया। मेरी कार्यप्रणाली से नाराजगी हो सकती थी कि चलो 6 विधायक मेरी कार्यप्रणाली से नाराजगी है, तो राज्यसभा के चुनाव के बाद उन पर कोई विपत्त जारी नहीं होता, उनको विधानसभा में आना चाहिए था, बजट सत्र में भाग लेना चाहिए था। वो हरियाणा गवर्नमेंट के पंचकूला में एक हॉलीडे, पंचकूला हॉलीडे इन होटल है, वहाँ चले गए क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगले दिन फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से आए, CRPF के जवान आए। अब सवाल ये पैदा होता था फिर अगले दिन वो बजट में क्यों नहीं बैठे, तो इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं वो चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं और नोट के दम पर अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। एक सवाल यहाँ पे मेरा बनता था कि यही 6 लोग हैं जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने आपके खिलाफ बगावत की, तो क्या जनता जो है इन चेहरों पे सिर्फ पार्टी निशान बदल देने से इनको दोबारा जिताएगी? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, जब उस विधानसभा क्षेत्र से वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं तो उस विधानसभा क्षेत्र में पहले तो हाथ के निशान से जीत कर आए, 14 महीने पहले की तो बात है। अब वो उसी विधानसभा के क्षेत्र के पास फूल के निशान पर जा रहे हैं। अब जनता उनसे पूछेगी कि तुमने ये पार्टी क्यों छोड़ी, कि जी हमारी सरकार से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, मुख्यमंत्री नहीं सुनते थे, ऐसे आरोप लगते हैं ना, लगेंगे। तो क्या आपने कोई बात की? आपके सारे अधिकारी तो आपके अनुसार आपकी विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो पार्टी छोड़ी चलिए, आप उनके फूल पर भी चुनाव। एक महीना तक आप हिमाचल की सीमा के अंदर क्यों नहीं आए? एक महीना तक कभी आप हरिद्वार, ऋषिकेश, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुड़गांव में रहे, एक महीना तक जब आप हिमाचल प्रदेश में अंदर नहीं आते, अपने परिवार वालों से नहीं मिलते हो, तो उसके पीछे मंशा क्या थी? मंशा ये थी कि किसी तरह और विधायकों को खरीद कर मुख्यमंत्री की कुर्सी को प्राप्त की जाए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि क्या जब जनता किसी पार्टी को नकार दे तो भारतीय जनता पार्टी उन प्रदेशों में जहां चुनी हुई सरकारों को पैसे के दम पर गिराया जा रहा है, तो ये क्या स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया है? लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब हम इस लोकतंत्र की मर्यादा को बना के रखेंगे। हजारों साल की गुलामी के बाद 75 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हिंदुस्तान के लोगों को एक वोट का अधिकार मिला है। उस वोट के अधिकार को अगर कोई विधायक बनकर बेचता है तो ये लोकतंत्र की हत्या है, और जिन लोगों को सत्ता की भूख है उन लोगों को वो उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जो वोट के दम पर विधायक चुनकर आते हैं। मैं ये उदाहरण इसलिए भी देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, उनके चुनाव चिन्ह पर उनके मंत्रिमंडल के सदस्य चुनकर आए, लेकिन वो भी राजनीतिक मंडी में बिके, आज वो सत्ता की कुर्सी में पहुंचे। तो ये सब चीजें हैं जो मेरा एक सवाल में भी था। इन 6 विधायकों पे है जिन लोगों ने पाला बदला है। मैं जितना आपके मतलब राजनीतिक सफर को अध्ययन करता हूँ और ये देखता हूँ, तो आप बराबर जो है राजनीति में राजशाही का विरोध करते रहे हैं। आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे कि आप क्या बात कर मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो क्या जो सालों साल जो आपका संघर्ष रहा है, जो उस पक्ष के लोग हैं, क्या वही लोग अब आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद में अब आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं? ये ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में वैसे तो आज की दुनिया में कहते कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन अपने जीवन के तो कुछ मूल्य और सिद्धांत होते हैं। मैं कोई पहली बार विधायक नहीं बना जी, 20-22 साल से विधायक, 2003 में आपने सबसे पहले चुनाव विधायक हूँ जी। उससे पहले मैं शिमला नगर निगम में कॉर्पोरेटर रहा हूँ, काउंसलर रहा हूँ, और 10 साल मैं यहाँ भी रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि जब आपको कुछ सिद्धांत रखने होते हैं तो उन पर बढ़ना भी पड़ता है। रास्ता कठिन होता है लेकिन मुश्किल नहीं होता।
उस मुश्किलात में को प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ता है। कई बार आपको लगता नहीं होगा कि मैं जिस बीसियों साल तक जिस चीज़ का मैं विरोध करता रहा, आज जब मुझे वो मुकाम हासिल हुआ है तो मुझे वही चीज़ कहीं ना कहीं टीस मार रही है मेरे विरोध। मैं कभी सत्ता का विरोध थोड़ी करता रहा, नहीं लेकिन मैं तो उस नीतियों का विरोध करता रहा जो किसी भी पार्टी के द्वारा किसी के द्वारा भी चलाई जाते। मैंने सत्ता का विरोध नहीं किया, और जब मुझे सत्ता नसीब हुई तो मैंने सत्ता का सदुपयोग आम जनता के लिए किया। 15 महीने के कार्यकाल आज जनता के जाकर पूछिए, निश्चित रूप से आपको पता लगेगा कि हमने अच्छा कार्य किया है नहीं किया। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब तो जनता ही दे सकती है ना। मेरी रिसर्च टीम ने मुझे बताया कि मैं उन्होंने रिसर्च किया था कि जब मुख्यमंत्री के तौर पे आपके नाम का चुनाव हो रहा था तो एक बंद कमरे में 40 विधायकों की के लोग बैठे थे, उसमें से 20 लोगों ने आपका समर्थन किया था और तब जाके आपके नाम के मोहर लगी थी। जिन लोगों ने नहीं दिया था क्या वही विधायक हैं जो इस वक्त? 23 लोगों ने समर्थन किया था। हाँ, और 10-12 लोगों ने हाईकमांड बोला था। अच्छा, तो मेरा सवाल सिर्फ यही है, मैं नंबर्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो इन कैमरा प्रोसीडिंग थी, बंद कमरे में आप लोगों ने फैसला लिया था, आपके नाम की घोषणा हुई थी, फाइनल हुआ था। नहीं नहीं, बंद कमरे में नहीं, सभी MLO की राय ली थी, लेकिन उसमें मीडिया की एंट्री नहीं थी। आप सब नहीं, लोग जब तक कोई घोषणा नहीं होती तब तक मीडिया की एंट्री के सामने, लेकिन लोगों ने जो जानकार लोग थे उन लोगों ने जो खबरें चलाई उसके हिसाब से ये था कि आपके नाम पर बहुमत हो गया था तब आप चुन करके आए। लेकिन जो लोग दबी जुबान में नहीं नाम ले पाए लेकिन विधायक तो है, क्या वही लोग वो 6 लोग हैं जो लोग आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, या अभी भी उन 6 लोगों के अलावा भी क्या स्कोप है ऐसे विधायकों का जो अभी भी आपके लिए आगे राजनीतिक सफर में व्यवधान उत्पन्न करेंगे 4 तारीख के बाद? कोई बात नहीं है, जो 6 लोग गए वो मेरी कार्यप्रणाली से नहीं गए, वो BJP की जो सत्ता की ताकत है उसकी ताकत का किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया उस राजनीतिक मंडी में भी गए। वो तो एक बहाना है, तो इन बहानों के कोई भी सहारा ले लीजिए। जब आपने किसी काम को करना होता है, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, देखते जनता क्या तय करती है। मंडी की चर्चा की तो मंडी पे ही आ जाते हैं। मंडी लोकसभा सीट पर कंगना रनौत हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से जो है विक्रमादित्य जी हैं। विक्रमादित्य जी के साथ में फिलहाल आपका ट्विनिंग कैसा चल रहा है? ये मैं अभी उनके पूरे विक्रमादित्य के साथ 7-5 विधानसभा क्षेत्रों में उनके लिए प्रचार करके आया, क्योंकि उन्होंने हाईकमांड के पास ये बात रखी कि अगर मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो अगर मुख्यमंत्री जी मेरे को पूरे दिल से सपोर्ट करेंगे मैं लड़ूंगा, तो मैं उनके पूरा प्रचार कर रहा हूँ और पूरी सपोर्ट भी कर रहा हूँ। हाईकमान की आपने चर्चा की, बेहतरीन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर आप अपने को फ़ोन किसी भी आपदा की स्थिति में आते हैं, 3 नाम हैं, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका, सबसे पहले किसको? खड़गे साहब भी है। गांधी परिवार की बात करना, सबसे पहले किसको फ़ोन करेंगे आप? नहीं, मैं पहले ACC प्रेसिडेंट को फ़ोन करूँगा ना। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रियंका आपके काफ़ी करीब आप बताए जाते हैं। बिल्कुल, प्रियंका जी बहुत करीब है। जब आप राहुल जी भी करीब है, सोनिया जी भी करीब है, लेकिन एक होता ना कि ये मेरे सबसे करीबी, अपना दुख दर्द सबसे पहले मैं इनको जरूर बताऊंगा, उसके बाद में बाकी प्रोटोकॉल पूरा करूंगा। तो वो नाम कौन है जिसे सबसे पहले आप फोन करेंगे? नहीं, नेचुरली जब कोई होगा तो ACC प्रेसिडेंट, राजनीतिक होगा तो ACC प्रेसिडेंट होगा, कोई अपना व्यक्तिगत होगा तो प्रियंका जी से भी कर ली जाती है। BJP जो है लगातार जो है परिवारवाद और नेपोटिज्म इस सब की बात करती रही है कि कांग्रेस जो है एक परिवार की पार्टी है, इस सब तरह से आपका जो राजनीतिक संघर्ष पूरा रहा है वो भी एक राजशाही परिवार के ही खिलाफ रहा है। और जब 2021 में वीरभद्र जी नहीं रहे उसके बाद आपका समय शुरू हुआ और तब आपने फिर जो है सफ़र शुरू किया, तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ हद तक BJP की ये लाइन ऑफ थॉट और आपके जो संघर्ष की कहानी मैच खाती है? पहले तो परिवारवाद की जो BJP बात करती है वो अमल में नहीं लाती, हिमाचल प्रदेश में तो अमल में नहीं आया। अब अनुराग ठाकुर जी प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, तो अमल में लाने की बात है जी। दूसरा जो बात है, मेरा कभी भी व्यक्तिगत विरोध किसी से नहीं रहा, मैं पार्टी के अंदर ही रह के काम करता हूँ। कई मुद्दों पर टकराव होता है, कई विचारों पर भिन्नता होती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है,
जो बहुमत का व्यू पॉइंट होता है वो अमल में लाया जाता है। एक और सीट है जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, कांगड़ा सीट की बात कर रहे हैं, वहाँ से आनंद शर्मा जी खड़े हैं। आनंद शर्मा जी कांग्रेस की केंद्र सरकार में मंत्री पद भी देखते थे और उनके जिम्मे में जो है आपका उनके रहते हुए वो कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर थे उस समय में। तो क्या आपको लगता है कि हिमाचल के लिए कॉमर्स मिनिस्टर थे? कॉमर्स मिनिस्टर थे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, यस। हाँ, तो आनंद शर्मा जी कांग्रेस के समय में इंडस्ट्री मिनिस्टर भी थे, क्या उन्होंने उस दौरान हिमाचल की जनता के लिए उतने इंडस्ट्रीज यहाँ पे लाने का काम या जो समर्थन को केंद्र से कर सकना चाहिए था वो किया था कि आज आप अगर वहाँ जाएंगे तो कांगड़ा सीट में आनंद शर्मा को लोग उतना एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, वह शिमला पार्लियामेंट सीट के हैं, विक्रमादित्य भी शिमला पार्लियामेंट की सीट के, और विक्रमादित्य शिमला पार्लियामेंट के बाद मंडी से लड़ रहे हैं, आनंद शर्मा शिमला पार्लियामेंट के बाद कांगड़ा से लड़ रहे हैं। जिस तरह गुजरात के मोदी जी बनारस से लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी गुजरात की अमेठी से लड़ रही है, और सन्नी देओला के पठानकोट से लड़ते हैं मुंबई से आके। तो राष्ट्रीय जो नेता होते हैं ना, इनका कोई राज्य नहीं होता। ये जो राष्ट्र की बात करते हैं किसी भी पार्टी के, चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की होती है, इनका जो सोचने का तरीका बहुत बड़ा होता है। आनंद शर्मा जी थे तो कांगड़ा में फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूशन आया, रीजनल टी बोर्ड का ऑफिस आया, कंदरौरी में हमारा नया इंडस्ट्रियल पार्क आया, हिमाचल में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस उन्होंने खोला। तो कई चीज़ें हैं, इसलिए ये तो एक राजनीतिक स्टैंडिंग वर्ड्स हो गया है, बाहर से है, दीज आर द वर्ड्स, पर राष्ट्रीय नेताओं पर ये चीज़ें लागू नहीं होती। ठीक है, आपके मुख्यमंत्री बनने के 16 महीने तकरीबन पूरे हो चुके हैं, कुछ बड़ी घोषणाएं जो आपने अपने 16 महीने के कामकाल में किया है वो बताएंगे कुछ हमको जरा? देखिए, बहुत घोषणाएं, 15 महीने मेजर जिसका कि जिक्र आपने चुनाव से पहले भी किया। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, जिन कर्मचारियों को 2700 रुपया मिलता था आज उनको 27,000 रुपया मिल रहा है। हमने किसानों के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए योजना बनाई है। हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां दूध का समर्थन मूल्य 45 रुपये है और भैंस का समर्थन मूल्य दूध का 55 रुपये प्रति लीटर है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां प्राकृतिक खेती यानी कि गोबर आधारित खेती करने पर गेहूं 40 रुपये किलो खरीदा जाएगा, मक्का 30 रुपये किलो खरीदा जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जो बच्चे अपनी माँ को खो चुके, अपने पिता को खो चुके, अनाथ बच्चे जिन्हें कहते हैं, उनकी शिक्षा का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, उनकी पढ़ाई का खर्चा 27 साल तक कांग्रेस पार्टी उठाएगी। विधवाओं के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। आपदा में हम हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़े रहे। तो कई ऐसे मुद्दे जिन पर हम आगे बात कर सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर के मेरी रिसर्च टीम ये एक चीज़ जानकारी लेना चाह रही थी, उन्होंने बताया अपने रिसर्च में कि ओल्ड पेंशन स्कीम है या जितने भी आपने घोषणाएं की हैं, 70 लाख की आबादी वाले हिमाचल पर पहले से ही 75,000 करोड़ का कर्जा है, 75 लाख वाली आबादी है, और महिला जो है हर महिला को आपने 1500 रुपये देने का भी एक वादा किया हुआ है। वादा नहीं किया, स्टार्ट कर दिया। मैं करेक्ट करता हूँ उसको। तो आखिर ये इतना पैसा जो है कैसे मैनेज करेंगे इसको? हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए जो भारतीय जनता पार्टी के समय से, जहाँ से धन को लुटाया जा रहा था, जयराम जी सोए रहे थे। कुछ एक दो भ्रष्टाचार के मामले बताएंगे जिससे कि पैसा लीक हो रहा था यहाँ से, जैसे शराब के ठेकों की नीलामी होती है, वो पिछले 4 साल से रिन्यू होते थे, यानी कि इतने प्रतिशत पर रिन्यू हो जाते थे गवर्नमेंट से बात करके, उससे हर साल 160 करोड़ रुपया आता था। तो पिछले 4 साल से 160, 170 करोड़, 150 करोड़ आता रहा। हमने उनकी ऑक्शन की और उससे 600 करोड़ रुपया आया। तो 160 और 600 करोड़ में अंतर है ना। तो निश्चित तौर पर जब इन चोर दरवाजों को बंद किया, फिर कहीं और जगह लूप बोलता, कई जगह नियम ही नहीं बने, तो सब नियमों में फायदा करके हमको फायदा हुआ और आज मैं कह सकता हूँ कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बोल रहे हैं। ठीक है, और जो कर्ज की बात है वो 75,000 करोड़ के अलावा 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की सिक्स्थ पे कमीशन की देनदारियां भी है।
सर, मेरी रिसर्च टीम ने बताया है कि कुल राज्य में कुल 9 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। अगर मैं नंबर्स में कुछ इनकरेक्ट हूँ, मेरी टीम का उसमें डेटा कम हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि राज्य की लगभग 12% आबादी बेरोजगार है जी। और जबकि आपने चुनाव में वादा किया था 1 लाख रोजगार देने का, इसका जरा मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या प्रगति आई और क्या संभव हो पाएगा 15 महीने में। जी, जिस प्रदेश में कोई एक महीने में नहीं रोजगार बने, 40 साल से 9 लाख रोजगार है, इनको स्वरोजगार की तरफ हम काम दे रहे हैं। ग्रीन हिमाचल की दिशा में हमने नीतियाँ बनाने स्टार्ट की है, ई स्टार्टअप योजना हमने स्टार्ट कर दी है, और इस दिशा से इनको रोजगार मिले, स्वरोजगार, सरकारी रोजगार। और इस साल हमने 22,000 सरकारी नौकरियों के पद भरने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया है, विज्ञापन निकाला है। यूथ की बात आई है तो एक चीज़ और है जो राहुल गांधी भी पूरे देश भर में चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दा उठाते रहे हैं, पर्चा लीक बन। तो पर्चा लीक से अछूता हिमाचल भी नहीं है। आपके सरकार बनने के 12 दिन बाद ही एक पर्चा लीक हो गया था, इस सब को कैसे करेंगे, क्योंकि देश भर के यूथ परेशान है। देखिए, तैयारी करते मेरे, हैं और वो पर्चा लीक मेरे 12 दिन के बाद नहीं हुआ। ये पर्चा लीक काफ़ी पहले से हमारे कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में चल रहा था, बिकते थे पेपर। मुझे पता लगा हमने जाल बिछाया, पता लगा हमने कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया, और अब नए राज्याचार्य होंगे जो आजकल इंटरव्यू करवा रहा है, और नए राज्याचार्य के द्वारा जो इंटरव्यू होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे, लीक होने का कोई स्कोप नहीं होगा। एक मुद्दा जो है, आप बीजेपी ने जो है राम मंदिर को लेकर के चुनावों के समय काफ़ी मुद्दा बनाया और अभी भी बार बार कहते रहते हैं कि हमने बताया, कांग्रेस ने वहाँ न जाने का फैसला किया, कांग्रेस आलाकमान ने ना, ये गलत परसेप्शन डेवलप की जा रही है, कांग्रेस ने वहाँ नहीं जाने का फैसला, जो बेसिकली प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन था उसमें सम्मिलित नहीं हुए। नहीं नहीं, ये फैक्ट है। नहीं, मेरी बात तो सुनो जी, वो बीजेपी के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। मैंने इसी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तो आधे दिन की छुट्टी की, मैंने यही राम मंदिर की प्रतिष्ठा में हमने एक दिन की छुट्टी, पूरे दिन की छुट्टी की। तो ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस प्रकार की बातें करते, ये बात ठीक नहीं। मैं उसी पे आने वाला था कि आपने भी एक दिन की छुट्टी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन में कर दिया था, मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी लोगों ने काफ़ी उस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करके किया था। क्या आपको लग रहा था कि कांग्रेस आलाकमान का प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित न होने का फैसला आपके इस राज्य की राजनीति को प्रभावित करेगा, इसलिए आपने ये फैसला लिया कि हम छुट्टी पूरा करेंगे? नहीं, हमने तो यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा गुजरी थोड़ी है, किया वो तो हमारी आस्था का केंद्र है, कहीं भी कर सकते हैं। इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। राम हमारे आस्था के केंद्र है, हमारे आराध्य है, हमें राम के आदर्शों को भी तो अपनाना पड़ेगा। राम के आदर्श अपनाए नहीं जा रहे, हमारी सरकार चुनी हुई उसको गिराने की कोशिश कर रहे, तो इसलिए हम ये राम के आदर्श में तो नहीं था। हिमाचल, मतलब मैं अभी आ रहा था, जब दिल्ली से यहाँ आ रहा था, बाई रोड आया हूँ, बहुत जगह मैं देखा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है रोड, और ये शायद जो त्रासदी पिछले साल आई थी लगातार 2 बार आई, जिसकी वजह से पूरा डिस्टर्ब हुआ है। तो ये जो रिनोवेशन वाला काम है, क्या इसका प्रभाव यहाँ के टूरिस्ट जो आने वाले हैं, अब जो पीक सीजन आने वाला है, इसे पड़ेगा? नहीं नहीं, आप शिमला वाले रोड से आए। जी जी जी, हमारा पठानकोट, ये क्या कहते हैं, मनाली की बहुत अच्छा रोड है, देखिए आप जाके, कोई ऐसी प्रभाव की बात नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको जो आपदा प्रबंधन के नाम पर जो मिलना चाहिए था राज्य सरकार, केंद्र सरकार से, नहीं वो नहीं हमें मिला, कुछ नहीं मिला ना, स्पेशल रिलीफ कोई पैकेज नहीं हमको मिला। जो ग्रांट ऐसे आती थी, जो NDRF SDRF की, जो हमारे को एडवांस में मिल गई। अच्छा, EVM को लेकर आप भी अक्सर मुद्दे उठाते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बार भी सब कुछ कह दिया है, तो क्या अभी भी आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए इस चुनाव में कोई मुद्दा है? प्रोग्रामिंग का डाउट है, नेचुरली ऐसे मुद्दे होते ही। अभी फिलहाल कोई, अब जब अमेरिका ने बंद कर दी, जापान ने बंद कर दी, तो एक बार 540 सीटों पर मतपत्र के द्वारा ही वोटिंग करवा लेते तो शक भी दूर हो जाता। टेक्नोलॉजी पर को क्या आप करोगे, कुछ कर सकते? प्रोग्रामिंग ऐसी होगी तब क्या कर सकते आप? सपोज कीजिए काउंटिंग के समय EVM की सील खुलती है, वोटिंग के समय कुछ नहीं है, काउंटिंग के समय खुलती है, और उसमें जैसे ही ऑन का बटन दबाते ट्रांसफ़र हो जाता है, तब क्या करोगे आप? प्रोग्रामिंग में बोल दिया कितने परसेंट ट्रांसफर का रख दिया था। अच्छा, पूरे उत्तर भारत में आप इकलौते कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम करना और
आपकी कांग्रेस आला कमान की तरफ से लगातार आपको निर्देश में, कितना दबाव महसूस करते हैं उसके लिए? कोई दबाव नहीं रहता है, जितन काम करते हैं और पूरा, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पे रहना निश्चित तौर पे उम्मीदें रहती हैं कांग्रेस आला कमान। निश्चित तौर पर अभी अभी पता लगा ना, हम तो अभी बने तो धीरे धीरे अनुभव हो रहा है। हाँ, तो मतलब एक दबाव रहता है, निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत दबाव तो रहता ही। हाँ, तो 4 जून को लेकर के आप कितना तनाव में है? पूरी तरह तनाव में क्यों है? इतना में क्यों? 4 जून को मतलब परिणाम आएगा, अच्छा परिणाम आएगा। 4 जून का कोई ज्यादा ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा आपके हम शुरुआती दौर की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले जब 10th पास करने के बाद में 6.25 रुपए पर डे की नौकरी की थी। नहीं, उस समय ऐसा था रोजगार मिल जाता। मेरा सवाल दूसरे तरह का है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। 6.25 रुपए की मस्ती जो है दोस्तों के साथ में क्या होती थी, क्या करते थे आप? नहीं नहीं, उसमें 6.25 रुपए दिहाड़ी डेली वेजेस थी। हाँ, मैं समझ गया। उसमें कंप्लेंट्स नोट करनी होती थी, तो उस समय रोजगार मिल जाता था। मैंने जो खबरें पढ़ी हैं, मेरी रिसर्च टीम ने मुझे बताया कि उन 6.25 रुपए में आप अपने दोस्तों के साथ मूवी देखते थे, पिक्चर देखने चले जाते थे, और क्या क्या चीजें करते थे आप? बस 3 महीने करते थे, जब छुट्टियां होती थी 11th में हुए थे जी, उस समय 17-18 साल के रोजगार मिल जाता था। 3 महीने नौकरी की तो पिक्चर देख ली, कभी खेल कूद लिया, और क्या करना। अच्छा, अपने दोस्तों की टीम के साथ घूमने चले जाते थे, पिकनिक में। बहुत सारे यूथ जो है ना, वो ये जानना चाहते हैं कि ये पॉलिटिक्स में आने का ये क्या फंडा है, ये कैसे आ सकते हैं? देखो, पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको संघर्ष लंबा करना पड़ेगा। क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, पर पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति राजनीतिक परिवार का ना हो, उसके लिए पॉलिटिक्स में आने के लिए संघर्ष जरूरी है, लगनशीलता जरूरी है। और निश्चित तौर पर जब लगनशीलता और संघर्ष से काम करते हो तो कहीं ना कहीं समय आता है, तो उसमें आपको फायदा होता है। आपकी माँ के साथ तस्वीरें काफ़ी वायरल होती हैं, और वो चाहती थी कि आप सरकारी नौकरी करें। हाँ, तो हर माँ बाप का, मेरे भाई तो ये आपको उसी समय से NSUI में जाना, छात्रों के बीच में बैठना, वो जो है अड्डेबाजी करना, जो मैं दिल्ली की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, अड्डेबाजी करना, ये माँ ने माँ को कैसे कन्विंस किया आपने कि मैं राजनीति में? अड्डेबाजी का तो मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, अड्डेबाजी का मतलब है कई दोस्त जब एक साथ बैठ करके गॉसिप कर रहे हैं, तो एक यूथ के बीच का एक ग्रुप बनाना। उस समय एक लीडर पिक्चर चलती थी, दिलीप कुमार जी की होती थी जी। जब हमारा समय था ना, तो उसमें प्रोजेक्टर से बाहर पिक्चर दिखाई जाती थी। अच्छा, तो पिक्चर दिखा के लोग नीचे दरी बिछा कर बैठते थे और सामने तो लगता था। धीरे धीरे वो समय बदलता है कि हम भी बड़े होते, छोटे होते की बात कर रहा हूँ, 7-8 साल पहले जब हम 80s की बात कर, धीरे धीरे हम बड़े होते गए। बड़े होने के बाद हर एक माँ बाप की इच्छा होती कि सरकारी रोजगार मिल जाए। मेरी बहनें सरकारी नौकरी लगी, मेरे भाई एयरफोर्स में चले गए, हम 4 भाई बहन थे। माँ को कन्विंस करने में कितना दिक्कत हुई? माता जी कहते कि सरकारी नौकरी लग जाओ, तो मैं पड़ोस में सभी बच्चों के साथ इकट्ठा होकर, पड़ोस का जो भी काम होता था हम करते थे उसको। उस समय क्या होता था कि मार्केट कम होती थी, तो उसमें दूर जाना बच्चों के साथ, हमने तो हम कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में मैं CR का चुनाव लड़ा 17-18 साल की उम्र में। फिर मेरे जो जहाँ मैं रहता था, कॉलोनी वाले वो सब बोलते हैं लीडर बोलते थे। फिर मैं 18 साल में फिर चुनाव लड़ा, शिमला में एक ही कॉलेज होता था उसका, जनरल सेक्रेटरी बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। शौक था, फिर पैसे कमाने का भी शौक था कि कैसे करने, राजनीति करनी, तो सुबह शाम काम करते रहे। एकदम हाइपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे शुरू से ही, और तब आपने सफर करते हुए राजनीति के एक बड़े मुकाम को हासिल किया, मतलब आज इस लेवल पे आकर के। माता जी गांव में रहते थे, खेती भी थी हमारी, आज इस लेवल पर आकर हमारा वही, मेरे माता जी अभी भी गाँव में है, मैं घर जाता हूँ, खेती बाड़ी करते हैं, उनको मैं लाना चाहता हूँ यहाँ। वो ऊपर जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनको अपना घर पसंद होता है, और खुलेपन में रहना गांव में, उनकी सहेलियाँ होती उस उम्र की, बैठ के गप्पे मारते थे, तो उनका एक शौक था कि धीरे धीरे की रोजगार, सरकारी रोजगार की बात करें। लेकिन धीरे धीरे राजनीति में फंस गए, स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ते गए, और आज इस महान कांग्रेस पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। माँ को तो आपने मना लिया, अब अगर आपकी दोनों बेटियाँ जो दिल्ली में पढ़ रही हैं, अगर वो राजनीति में आना चाहिए तो आप आने देंगे? अभी तो पढ़ाई कर रही है, मैं क्या कर, लेकिन फिर भी अब ग्रेजुएशन में। मेरा ये मानना है कि जिसका जो चाव हो वो करे, आप उन्हें रोकेंगे नहीं? मैं किसी, देखो मैं नहीं रुका अपनी माता जी से, जब मुझे रोजगार चाहते थे, मैं राजनीति में, उनको थोड़ी पता था उस समय,
आज से 40 वर्ष पहले मेरी माता को क्या पता था कि मैं कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचूंगा। उनको तो ये पता था कि अपना भविष्य संवारना है तो सरकारी नौकरी कर ले ताकि उसको पैसे मिलते रहे और अपना वो करते। तो ये चीज़ें थी। उस समय क्या होता था कि सरकारी नौकरी वालों की ही शादी होती थी और उनकी शादी भी नहीं करते थे कभी। जी जी जी, ये सब चीज़ें चलती थी ना। हाँ, कंगना रनौत जीत रही हैं। देखिए, कंगना रनौत ने बड़ा संघर्ष किया। कंगना रनौत साहब में एक प्लस पॉइंट है जो मैं वहाँ पे घूमा फिरा हूँ और जो मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उनके पीछे कोई पॉलिटिकल मतलब इमेज बिल्डअप नहीं है। वो फिल्म स्टार के तौर पे उनकी पहचान है और वो मोदी जी के नाम पे चुनाव में मैदान में हैं। कांग्रेस के सामने में जो कैंडिडेट हैं उनके पास में एक सियासी सफ़र है, लोगों ने देखा हुआ है। आपको लगता है कि कंगना जी उनको टफ फाइट देंगी? कंगना जी का परदादा जी ना कांग्रेस पार्टी से एमएलए रहे, राइट? उसके पिताजी, उनके कंगना के पिताजी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे, ठीक है। वो फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपनी मेहनत की, नाकाम और नाम कमाया, लेकिन राजनीतिक दुनिया में आने से पहले उन्होंने, उनको पता नहीं था कि राजनीति में क्या कर, कैसे राजनीति करनी पड़ती है। वो ऐसे डायरेक्टर के हाथ में उनकी शूटिंग दे दी गई। वो तो उनसे कहा गया कि आप एक महीने की शूटिंग में आइए और अपनी शूटिंग करिए, डायलॉग लिखकर भी हम देंगे, स्क्रिप्ट राइटर भी हम होंगे और डायरेक्टर जयराम ठाकुर जी है। वो 3 फिल्में बना चुके हैं। 2022 में रिवाज बदलेंगे, सत्ता में रहे मुख्यमंत्री तो वो फेल होगी। 2023 में उन्होंने हमारा ऑपरेशन लोटस किया, वो फेल हो गया। अब 2024 में कंगना जी को लेकर डायरेक्शन कर रहे हैं। जब हीरोइन जितनी भी मतलब अच्छी हो, स्टोरी जितनी मर्जी भी अच्छी हो, अगर उसका डायरेक्टर फ्लॉप है तो फिल्म का फ्लॉप होना तय है। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके 4 जून के फैसले वाले दिन के लिए, और जैसा होगा हम फिर आपसे बात करते हैं। नमस्कार। थैंक यू।